श्री देवराय बाबा सरकार उन दिनों अमरकंटक के जंगलों में तपस्यारत थे। अमरकंटक के इन्हीं जंगलों से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है। यही नर्मदा जी सीधी चलकर मध्य प्रदेश होते हुए गुजरात में अरब सागर में गिर जाती हैं। नर्मदा नदी को भगवान शिव का पसीना भी बोलते हैं, उन्हीं से वे उत्पन्न हुई हैं। इसीलिए भगवान शिव का एक नाम नर्मदेश्वर भी है। श्री देवराय बाबा सरकार अमरकंटक के उन जंगलों में उन दिनों तपस्यारत थे। ये जंगल प्राय मध्य भारत में है। बाबा की सेवा में उस समय 18-20 योगी हठ योग की शिक्षा बाबा से ग्रहण किया करते थे। वे हठ योगी प्राय बाबा से अष्टांग योग के सभी नियमों को सीखते थे। संध्या के समय बाबा नदी के किनारे स्थित एक बड़ी चट्टान पर जाकर समाधिस्थ हो जाया करते थे। बाबा की समाधि प्राय 3-4 घंटे की होती थी, अर्थात एक बार आंख बंद होते ही सीधी 1-2 पहर बाद ही बाबा की आंख खुलती थी। एक दिन में प्राय 8 पहर होते हैं, यानी एक पहर 3 घंटे का होता है। बाबा जिस चट्टान पर बैठकर तपस्या किया करते थे, वहाँ से कुछ ही दूरी पर नदी अविरल और निर्मल रूप में बहा करती थी। निकट ही वे घने जंगल स्थित थे, जहाँ 2 शक्तिशाली शेर रहा करते थे। सूर्यास्त के समय वे दोनों शेर प्रतिदिन जंगल से निकलकर नदी में पानी पीने आया करते थे। नदी किनारे रहकर काफ़ी देर तक पानी पीते और वहीं विश्राम करते थे। जब बाबा सरकार संध्या के समय उस शिला पर बैठकर ध्यानस्थ थे, तो उन शेरों की नज़र श्री बाबा पर पड़ी। पानी पीकर वे बाबा की ओर बढ़ चले। कुछ कदम बढ़ाते बढ़ाते जब बाबा से सिर्फ 4-5 मीटर की दूरी पर ही होंगे, उन्होंने बाबा को एक विशेष तरीके से प्रणाम किया। शेरों ने अपने आगे वाले पैरों को मोड़ा और सिर को जमीन पर रगड़ना शुरू कर दिया। ये सब हठयोगी दूर से ऐसा दृश्य देख रहे थे। वहाँ से कुछ ही दूरी पर बाबा की कुटिया थी, जहाँ वे हठयोगी प्राय हठयोग की दीक्षा और शिक्षा में लीन रहा करते थे और अन्य यौगिक क्रियाओं में वे पारंगत थे। बाबा की दृष्टि खुलते ही बाबा चट्टान से नीचे उतरे और शेरों की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। बाबा जैसे ही उनके पास गए, उन शेरों ने बाबा को चाटना शुरू किया। बाबा ने भी उनको विशेष आशीर्वाद दिया, थपकी लगा लगा कर उनको पुचकारना शुरू किया। वे दोनों शेर थोड़ी ही देर में निर्मल बच्चे के समान व्यवहार करने लगे। बाबा ने उनको कहा, बच्चा आओ तुमको आज गुरुदीक्षा देता हूँ। ये कहकर बाबा ने दोनों शेरों के तिलक किया और उनको कुछ निर्देश भी दिए। बाबा ने उनकी भाषा में उन्हें समझाया और गीता का पूरा अध्याय उन दोनों शेरों को सुनाया। वे शेर बच्चे की तरह बाबा की वाणी सुन रहे थे, ऐसे बैठे जैसे कोई बच्चा अपने टीचर की बातों को सुन रहा हो और उस शिक्षा को अपनाने के लिए बहुत ज़्यादा चिंतनशील हो। अब बाबा ने उनको आदेश दिया, बच्चा तुम्हारी दीक्षा पूरी हुई, अब जाओ, समय मिलने पर फिर दर्शन होंगे। अब उन शेरों का प्राय यही नियम बन गया। वे शेर प्रतिदिन शाम के समय पानी पीने आते और पहले बाबा को उसी तरीके से प्रणाम करते, अर्थात अपना सिर जमीन में रगड़ते और पुचकारने लगते। बाबा जब तक उनको पीठ पर और उनके सिर पर थपकी ना देते, तब तक वे ऐसे ही लौटते रहते। बाबा बच्चे की तरह उन्हें दुलार करते थे। बाबा ने उनको 2 दीक्षा के नए नाम भी दिए थे और उनको आज्ञा भी दी थी, बच्चा कभी किसी को तंग मत करना। वो शेर प्रतिदिन बाबा के पास आते।
ये कथा 18-20 योगी सामने से देख रहे थे। प्रतिदिन यही नियम था। एक दिन उन्होंने बाबा से पूछा, सरकार क्या हम भी शेर के पास जा सकते हैं? बाबा ने उन हठ योगियों को बताया, बच्चा जब तक तुम में अहिंसा पूरी तरह प्रतिष्ठित ना हो जाए तब तक ऐसा मत करना। परंतु जिस दिन तुम सब में नारायण देखना सीख जाओगे तो शेर से भी हालचाल पूछ सकते हो। बाबा की ये बाणी सुनकर हठ योगियों के मन में अचंभा हुआ। सरकार हम तो नारायण देखने का अभ्यास बहुत समय से कर रहे हैं। बाबा बोले, बच्चा परंतु इसकी पूर्ण सिद्धि में अभी समय है। जब योगी में अहिंसा पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो जाती है तो भयंकर से भयंकर हिंसक पशु भी अपनी हिंसा वृत्ति को त्याग देते हैं। श्री बाबा के पास ऐसा प्राय देखा जाता था। मगरमच्छ, शेर, भालू, कछुए और बहुत से जंगली जानवर बाबा के पास बच्चे की तरह आते थे। बाबा के हाथ से बताशा खाते थे। बाबा ने कई बार गधों का भंडारा भी किया है। बाबा ने रांची के जंगलों में भालुओं का भंडारा किया है। इस चैनल की प्लेलिस्ट में खोजेंगे तो वे वीडियो आपको मिल जाएंगे। नई वीडियो समय पर आती रहेंगे जिनमें बाबा की लीलाओं का विस्तार से वर्णन होगा। ऐसी घटना के प्रत्यक्षदर्शी कुछ लोग अभी भी हैं, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के डीन जो बाबा के परम भक्त हैं और उनके घर में बाबा का मचान भी स्थित है। वो बाबा से इतने प्रेरित थे कि उन्होंने भी अपने जीवन से मांसाहार का परित्याग कर दिया। बाबा बोलते, बच्चा अपना संपूर्ण कर्म धर्म भगवान को अर्पण करके थोड़ी देर के लिए भी भगवान को भूल जाएं तो उन्हीं भगवान को परम व्याकुल होके पुकारना ही भक्ति है। श्री बड़े महाराज जी बाबा की अभी इस समय वर्तमान में शिक्षा दीक्षा और गुरु परंपरा का निर्वाह करती हैं। जैसे ही समय मिले देवराय चैनल पर सरकार जी के वीडियो अवश्य सुनिएगा, अन्यथा बाद के लिए सेव कर लीजिएगा। राधे राधे। जय श्री राधे।